राम लीला के मैदान में जो बैठा कर कहे जो हम एक ही सेना उठे तुम एक ही सेना उठो हम एक बाल बराबर बिना है। हमने जिस आंदोलन को 0 डिग्री टेम्परेचर से लगातार 16 घंटे दिन रात प्रदर्शन करते हुए और यहाँ तक पहुँचाया, हमारे संविधान की जीत साफ नजर आ रही है। मैं यूँ कहना चाहूँ यूँ कह रहा हूँ रो खोल दो 50 बच्चे हमारे जामिया में मारे उसका जिम्मेदार कौन है बताओ इसका जवाब दो। क्या तो होनी चाहिए किसी की आँख खोले किसके सिर खोला किसके टांग में लगे किसके पाँव में अस्पताल में डाल दिया उसके जिम्मेदार बताओ कौन है पुलिस वाले है क्या अमित शाह है क्या मोदी जी। ये शाहीन बाग है इसे शायद कोई जानता नहीं था मैं भी नहीं जानती थी 15 दिसंबर से पहले मैं भी नहीं जानती थी शाहीन बाग नाम की कोई जगह दिल्ली में है लेकिन आज शाहीन बाग पूरे भारत का ताज बन चुका है। लड़ने के लिए उसने पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को ये दिशा दिखाई है कि अपने अधिकार को अपने धर्मनिरपेक्ष अधिकार को अपने संविधान को बचाने के लिए हम लड़ेंगे। हाँ जो पब्लिक स्पेसेस हैं उसको यूज करने का जी दैट्स इट जी एग्जैक्टली जो वो हक है जी तो उस हक को बचाने के लिए मैम अगर हम ये रोड खोलते हैं और अपना प्रोटेस्ट यहाँ से उठाते हैं तो हम अपनी जनरेशन का जो हक है यहाँ रहने का उसको स्टेक पर लगाएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड तो अगर जो लोग जाम में फंस रहे हैं तो वो 2 घंटे जाम में फंस रहे हैं लेकिन हमारी जेनरेशन को आगे न जाने कितनी जेनरेशन को ये प्रूव करने में लग जाएगा कि हाँ हम इंडियंस हैं और हम घुसपैठिए नहीं हैं। हमारे बाप दादा यहीं पर पैदा हुए यहीं रहे उनका खून भी इस मिट्टी में शामिल है। हम यहाँ बैठे हैं हमारी आवाज़ सुनने के लिए मजबूर हुए हैं लेकिन अगर हमें कहीं कोने में फेंक दिया तो सालों साल बैठे रहेंगे कोई हमें सुनने नहीं आएगा। हम मरे या जिए इसलिए जब तक सरकार यहाँ आकर यहाँ ना भी आए वहीं से संविधान रूप से बोल दे संसद में बोल दे कि जो हमने पास किया था उसे हम वापस कर रहे हैं हम अभी हट जाएंगे इसी वक्त हट जाएंगे। नारा तो ये दिया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू कि सबका साथ सबका विकास हमें विकास की जगह विनाश क्यों नजर आ रहा है हमें विनाश क्यों नजर आ रहा है सबका विश्वास। मेरी आपसे ये बहुत बड़ी एक रिक्वेस्ट है कि इस आंदोलन को जिस तरह की आप हमारे पास बात करने के लिए आए हैं मैं चाहूंगी कि इस आंदोलन को ऐसे ही चालू है जब तक कि सरकार हमारी बात को नहीं मान रही है और हम तो बात करने के लिए आप आए हैं हम बात कर रहे हैं मीडिया आती हम बात करते हैं लेकिन उन्हें किस बात का डर है अगर वो आए हम उनकी रक्षा करेंगे हम खड़े हैं उनकी रक्षा के लिए उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा वो बात तो करने आए। क्यों हमारे हाथ में अगर वॉलेट होते हैं तो उनको मीडिया स्टोन बताती है और स्टोन फेंकर्स कहती है। इस हद तक का दूसरे का डीमोनाइजेशन के दूसरे का वजूद खत्म कर दिया जाए ये नहीं हो सकता मैम ये नहीं हो सकता हम लोग जिंदा हैं। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी आप दोनों बेटियों ने जो कई मुद्दे उठाए हैं अपने आप में वो सुप्रीम कोर्ट के सामने उस पर बहस होगी उन मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं वो तो उस पर उस मुद्दे पे हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे लेकिन बहरहाल इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा उन सब बातों को लेकिन जिस हिंदुस्तान में आप जैसी बेटियाँ हों उस हिंदुस्तान को कभी खतरा हो सकता है। हम रातों को सो नहीं पाते हम पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। I have a test to give tomorrow. खत्म ना कि मुझे कॉन्सेंट्रेट में पढ़ाई कैसे करूं? कैसे किताब खोलकर देखूं? जहां भी न्यूज चैनल खुलता है तो मैं आतंकवादी बताया जाता है हमें स्लैंडर हमारे अगेंस्ट स्लैंडर्स होते हैं। हम रातों को सो नहीं पा रहे मैम एंड आई होप कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बातों को नोटिस में लेता है। आई होप वो जल्दी से जल्दी इसके रूट को खत्म करता है क्योंकि हम यहाँ पर सेलिब्रेशन करने नहीं आए हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं। We are just here for our rights. एक डेमोक्रेटिक राइट है एक कॉन्स्टिट्यूशन है एक हमारे कंट्री का आइडिया है जिसको हम बचाने के लिए बाहर आए। आप लोगों से सुनकर हम हमारे जहन में लेकर एक आजादी का पैगाम सुनकर हम वापस जा रहे हैं पर हम कल इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे आते रहेंगे।